અને હવે જોઈશું કેટલાક અન્ય મહત્વપૂર્ણ સમાચાર. વાત કરીએ દિલ્હીની. દિલ્હીમાં આતંકી હુમલાનું ષડયંત્ર નિષ્ફળ થયું છે. જૈશ એ મોહમ્મદના બે આતંકીઓ ઝડપાઈ ગયા છે. અબ્દુલ લતીફ અશરફ ખાન નામના આતંકી ઝડપાયા છે. બંને આતંકી જમ્મુ કાશ્મીરના રહેવાસી છે. આતંકીઓ દિલ્હીમાં હુમલો કરવાની ફિરાકમાં હતા. 2 સેન્ટીમીટર ઓટોમેટિક પિસ્તોલ, 10 જેટલા કારતૂસ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. जैसे मोहम्मद नाम बे आतंकीओ झड़पाया. आतंकी जम्मू काश्मीर ना सोपोर और कुपवाड़ा ना रहवासी. सराय खान इलाके से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया. ये 2 आतंकी जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से संबंध रखते हुए बताए जा रहे हैं. इस वक्त में दिल्ली PHQ हेडक्वार्टर्स के बाहर हूँ. अंदर जो आला अधिकारी है वो मौजूद है. जो स्पेशल सेल के ऑफिसर्स हैं वो अपने ऑफिसर्स को ब्रीफ कर रहे हैं कि आखिरकार कल जो आतंकी पकड़े गए हैं लगभग 10:15 बजे इन दोनों आतंकियों को पकड़ा गया है और जो तमाम डिटेल्स इनसे मिली है उसके बारे में अपने ऑफिसर्स को डिटेलिंग ब्रीफ कर रहे हैं. लगभग दोपहर के अराउंड स्पेशल सेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ, कब से प्लानिंग की जा रही थी, कौन कौन से ठिकाने इन्होंने दिल्ली में बदले हैं, कब से दिल्ली में मौजूद है. जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके के दोनों आतंकी बताए जा रहे हैं. कुपवाड़ा से किस तरह से दिल्ली पहुंचे हैं, किसकी मदद से पहुंचे हैं, कौन से ठिकाने हैं, इन तमाम डिटेल्स को लेकर के स्पेशल सेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी. लेकिन फिलहाल अपडेशन यही है कि 2 आतंकियों को सराय काले खान के मिलेनियम इलाके से स्पेशल सेल ने जाल बिछा करके बकायदा ट्रैप करके इन आतंकियों को जिंदा गिरफ्तार किया है. इनसे और भी इनके सरगना की, इनके जो लीडर है उनके डिटेल्स अभी पुलिस ले रही है, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी. फिलहाल दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है, स्पेशल सेल के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जैश के 2 आतंकियों को जिंदा पकड़ा है और इनसे जो लीडर है, जो कनेक्शन है, जो पूरी डिटेलिंग है, किस तरह से प्लानिंग की जा रही थी. क्योंकि दिल्ली में त्योहारों के मौसम में, फेस्टिवल सीजन में एक बड़ा आतंकी हमला करने की प्लानिंग थी, जिसकी वजह से रेकी की जा रही थी. गूगल से फोटोज एक्सेस किए जा रहे थे. कई फोटोज, नकली पासपोर्ट, नकली आइडेंटिटी कार्ड, 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 10 लाइफ कार्ट्रिजेस, कारतूस, बम, ये तमाम चीजें आतंकियों से बरामद हुई है. फिलहाल स्पेशल सेल ने इतनी ही इंफॉर्मेशन हमसे शेयर की है. आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या क्या लीड्स मिली इन आतंकियों से उसके बारे में जानकारी दी जाएगी. लेकिन फिलहाल PHQ में पुलिस की मूवमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पे ऑफिसर्स मौजूद है और स्पेशल सेल के जो अधिकारी है वो मौजूद है. कल रात 10:15 बजे दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, पकड़ा गया है, जिंदा पकड़ा गया है मिलेनियम पार्क के इलाके से. और इसके अलावा जो आसपास की झुग्गी बस्तियां और तमाम इलाके हैं उनको भी पुलिस ने कम्प्लीटली हाई अलर्ट पे कर दिया है. दिल्ली के अभी तमाम इलाके हैं जो हाई अलर्ट पे है, जो बॉर्डर एरियाज है उनको अलर्ट पे कर दिया है. यूपी पुलिस और हरियाणा पुलिस, गुड़गांव पुलिस को भी स्पेशल सेल द्वारा हाई अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है. PHQ से वीडियो जस्ट लेखराज के साथ हर्षित वानी, जी मीडिया.